प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ इसके लिए दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक और नया जीवन दिया हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता। आपके चरणों में हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो जो मसीह भाई आपसे प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थना को पिता आप सुनेंगे और उत्तर देंगे, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हर एक मुंह आपको अंगीकार करता है और हर एक मुंह परमेश्वर आपको जय जयकार करता है, आपको धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको आदर और महिमा पिता परमेश्वर हर व्यक्ति करता है पिता, जो आपके वचनों को पढ़ता है और समझता है और आपसे विनती और प्रार्थना करता है पिता। आज ये प्रार्थना पिता हर एक चीज के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक मांगने वाले को पिता आप देंगे, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी भी चीज की किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो किसी लाइफ में किसी भी मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक कार्यों को पिता आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम से पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज हर एक कार्यों को प्रभु यीशु मसीह रखते हैं पिता परमेश्वर और आपके नाम से सफल करते हैं पिता, कि हर एक कार्य को पिता आप अपने चरणों पे रख करके पिता परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु, हम आपसे विनती आग्रह करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे हर मसीह भाई बहनों की आज प्रार्थना आप सुनेंगे और उनको जो मांगेंगे पिता परमेश्वर इस सुबह के टाइम पिता परमेश्वर उसको आप देंगे। धन है पिता परमेश्वर जिसके जिसके दिल में पिता परमेश्वर आपकी दया है और पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो करुणामय हैं, दया निधान है पिता परमेश्वर, आप तो सर्व पर दया करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं, विलंब से क्रोध करने वाले हैं पिता परमेश्वर, बहुत समय से पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला और ज्ञान और बुद्धि समझ दी, क्योंकि आदि से लेकर के अंत तक पिता परमेश्वर ने आपने हमें तक अभी तक संभाल कर रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर एक मनुष्य भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुबह के टाइम पिता हर एक वो व्यक्ति हर एक समस्याओं को लेकर के आपसे विनती और प्रार्थना करता है पिता, आज वो जो मांगेंगे पिता आप उनको देंगे और जो प्रार्थना में पिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं, आज प्रभु आपसे निवेदन करते हैं पिता, हर एक मसीह भाई बहन आपसे निवेदन करता है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो कि पिता आज फिर आपने हमें हर एक मसीह भाई बहनों को नया जीवन दिया और पिता आज के दिन मेरे सारे कार्यों को आपके नाम से पिता मैं सफल करता हूँ, खुदावंद आपके चरणों में हम रखते हैं और अपने आप को अपने परिवार को पिता हम समर्पित करते हैं पिता और सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप हमारे परिवार में हमारे आस पड़ोस में पिता शांति रखते हैं और शांति बनाते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे परिवार में घर में खुशी में फैमिली में माता पिता भाई बहन जो हमारे परिवार में सदस्य हैं लोग पिता आप उनको संभाल के रखते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, और जो बीमार भी हो पिता उनको आप चंगाई दीजिए आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर जब आपका वचन कहता जब पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 और वचन नंबर हम यहाँ पे पढ़ते हैं 7 में परमेश्वर आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इस वचन को दिया और परमेश्वर आपका वचन भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता आपके चरणों में हर एक मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर, सुबह के टाइम जो भी आपसे प्रार्थना करता है विनती करता है पिता, और हर एक मसीह भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो दिक्कत हो किसी चीज की जरूरत है पिता परमेश्वर तो आप उनको दीजिए, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करिए। इसलिए परमेश्वर आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो लोग आपसे मांगते हैं विनती के द्वारा प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे माफी मांगते हैं क्षमा मांगते हैं पिता उनको आप क्षमा भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हर एक मसीह भाई बहन ज्ञान बुद्धि और समझ और विवेक मांगे और जो अपनी लाइफ की जरूरतें हैं परमेश्वर से कहें कि पिता आपके इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हर वो कार्य हो पिता परमेश्वर जो आपकी इच्छा हो। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए कहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता भी है। इसलिए जब हम अपने पिता से मांगते हैं
हैं, जो हमारे संसारिक पिता होते हैं उनसे कहते हैं कि पिता हमारे लिए ये चाहिए, हमें ये ला दीजिए, तो पिता आपसे कहता है कि चलिए हम अगले बार ले देंगे। लेकिन जब थोड़ा आप ज्यादा प्रेशर करते हैं कि नहीं पिता मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए, तो तुम्हारे पापा जरूर तुम्हें उस चीज को दिलाते हैं। इसीलिए आपको भी प्रार्थना करके मांगना है कि पिता से, हे पिता मुझे ये दीजिए, मेरे जीवन में जरूरत है पिता, आपकी इच्छा के अनुसार पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रभु कि आप हमारी हर तकलीफ को, दुख को, मुसीबत को छुड़ा कर रखते हैं पिता, इन सब चीजों से बचा करके रखते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, आपसे हम प्रार्थना और विनती कर सके, और पिता आपने मुझे एक नया जीवन दिया पहले, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके चरणों पर रह करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर आपकी। इसीलिए परसन ने कहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परिसर क्वेश्चन कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? क्या ऐसा कोई व्यक्ति आप बता सकते हैं इस संसार में? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ऐसा कार्य कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम में ऐसा कौन मनुष्य है यदि आपका पुत्र आपसे कुछ मांगे तो आप उसे ना देंगे? नहीं देंगे, आप वो चीज, वही चीज देंगे जो आपका पुत्र मांगता है। इसीलिए हमारा जो पिता है हमको जो रचने वाला, ब्रह्मांड को रचने वाला और सब मानव जाति को बनाने वाला और सृष्टि को रचने वाला और आकाश को तानने वाला, वही हमारा परमेश्वर पिता है। उस जब उसने हमको बनाया है तो उसने हमें संभालेगा भी, अगर उसने हमें धरती पर लाया है तो उसी वही हमको जीवन भी देगा। तो इसीलिए आपको अपने पिता से मांगना है प्रार्थना करके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पिता से आप कहना है पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप, हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं पिता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर आपने इन वचनों को इस प्रार्थना में शामिल किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसलिए परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपका वचन भी कहता है या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम संसारिक बुरे हो करके भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा? मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे रचा है, तुझे माँ के गर्भ में मैंने रचा है, तेरे जन्म से लेकर के तेरी मृत्यु तक मेरी नजर है, मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे संभालता हूँ, मैं तुझे पालता हूँ, तो क्या मैं तुझे नहीं दूंगा? परमेश्वर देगा, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी देता है, कुछ न कुछ पिता परमेश्वर हमारे लिए करता है। चाहे हमारे लिए श्वास है किसके दिन है? परमेश्वर के दिन है। अगर एक सेकंड के लिए परमेश्वर इसे कह दे नहीं मैं इसे वापस लेता हूँ तो आपको क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहें, कभी भी दुख में, अगर दुख में है, तकलीफ में है, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता मैं खुश हूँ, जो भी मेरे जीवन में है पिता परमेश्वर, अगर वो चीज़ आपके जीवन में बहुत कम है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं और ज़्यादा होना चाहिए, तो हो सकता है फिर उसमें लालच आने लगे। इसलिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है पिता, जो भी मेरे जीवन में है पिता उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ पिता, उनको अच्छे से खिला पा रहा हूँ, अपने हर घर के सदस्यों को, लोगों को उनके साथ रह पा रहा हूँ और आपसे विनती और प्रार्थना कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार ही पिता मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं पिता मैं आपके सामने रखता हूँ, और पिता आपको अगर लगता है कि पिता मेरे जीवन में एक कार्य होना चाहिए तो आप पिता मेरे जीवन में जरूर करें। इसलिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करके हर वो एक वस्तु के बारे में, हर एक वो चीज के बारे में, हर एक समस्या के बारे में, हर एक प्रकार की बीमारियों के बारे में, हर प्रकार की जो दुख है, तकलीफ है, आप बता सकते हैं परमेश्वर से कि पिता मेरे जीवन में ये है, अगर पिता की इच्छा है तो आपके जीवन में उसी वक्त वो कार्य हो चुका होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही रही है।
क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए आप मुझसे प्रार्थना करो और विनती करो और हर पल हर समय हर घड़ी अपने आप को सुरक्षित पाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमें हर्ष से देने वाला है और हर्ष से प्रेम करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 19 में परमेश्वर आपने कहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगेगा। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस सुंदर से सुबह के लिए। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं पिता। धन से पिता परमेश्वर हम परमेश्वर को चुनते हैं। आप हर एक मसीह भाई बहन धन को ना चुन करके परमेश्वर की ओर आइए। परमेश्वर आपको इतना धन देगा, इतनी बुद्धि देगा, इतना ज्ञान देगा, इतनी सामर्थ्य देगा कि वो धन भी आपको छोटा लगने लगेगा। परमेश्वर से हर पल हर समय हर घड़ी आप प्रार्थना करते रहिए, विनती करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए जो भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यदि वो बीमार है तो उनके बीमार अंगों पर हाथ रखिए, यदि वो बीमार नहीं है तो पिता परमेश्वर उनके हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी इच्छाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर पूरी होने जा रही हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार को और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत अनेक प्रकार की समस्याएं अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में उनके जीवन उनके भाई के जीवन में उनके वाइफ के जीवन में पति के जीवन पत्नी के जीवन में और हर एक भाई बहनों के जीवन में है पिता परमेश्वर। उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक समस्याएं दूर हो जाएंगी पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के तमाम प्रकार के दुख हैं क्लेश है मुसीबत है छोड़ के चले जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए पिता परमेश्वर। शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियां रोगाणु विषाणु निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। किसी के प्रति किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार किसी कोई बुखार नहीं ठीक हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो कि उन पर चमके तमाम प्रकार के असाध्य रोग अंतकारी रोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर दूर हो जाए पिता। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं कि हम आपसे प्रार्थना और विनती कर सकें। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता आप कार्य करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो अनेक प्रकार के कैंसर से चलते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो किसी की लाइफ में हाथों में इन्फेक्शन स्किन में इन्फेक्शन पैरों में पिता और चेहरे पर फेस पे पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। बॉडी किसी भी पार्ट्स में हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको भूल सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन भी कहता है कि तू मुझे भूल सकता है लेकिन मैं तुझे आदि से लेकर के अंत तक तुझे मैं संभालते आया हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमें ज्ञान और बुद्धि और समय केवल पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पिता हम प्रार्थना कर सकें। इसके लिए हमको इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए जॉब के लिए घर के लिए परिवार के लिए और जो समस्याएं लाइफ में है जीवन में डेली के दिनचर्या में पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जिस बहन के घर में कोई प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो। जिस भाई को नौकरी नहीं मिल पा रही जॉब नहीं मिल पा रही है जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिसने बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट आना है अभी परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करिए कि वो आप पर विश्वास और भरोसा रखें और वो कायम रहें आपके वचनों पर पिता परमेश्वर। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने कहा है ज्ञान और बुद्धि और समझ ही हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होती है। क्योंकि हम परमेश्वर से जो हमको बनाने वाला है जो हमको समझाने वाला है जो हमें बुद्धि देने वाला है वो हमारा पिता यहोवा परमेश्वर है। इसलिए आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर कि हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देते हैं और हर पल एक हर समस्या
समस्याओं से बचा करके रखते हैं पिता, आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य पिता परमेश्वर के आप पर जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और आपसे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोगाड़ों विषाड़ों निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द भरे इन्फेक्शन पिता परमेश्वर जो भी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तमाम प्रकार की बीमारियां जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द और मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, किसी भी कारण पेट में दर्द है पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर ठीक हो यीशु मसीह के नाम से। अभी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। किसी के सिर में दर्द है प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी दूर हो पिता परमेश्वर, आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान को भगा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर ने आपने कहा है जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है और जो कोई पिता से प्रार्थना करके कहता है पिता मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, तो पिता उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। जब उसके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, तो वो संसार में कहीं भी रह करके परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना कर सकेगा और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे पैसे धन के लिए नहीं, ज्ञान के लिए बुद्धि के लिए मांगो। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास बहुत सारा काम होगा, जब आपके पास बहुत सारा काम होगा तो बहुत सारा आपके पास पैसा आएगा, जब आपके पास बहुत सारा पैसा भी आएगा तो उससे परमेश्वर की आप स्तुति प्रार्थना भी कर सकते हैं और ज्ञान और बुद्धि समझ पा करके आप परमेश्वर के नजर में एक अच्छे व्यक्ति ठहर सकते हैं, एक अच्छा मसीह बन सकते हैं। ये मेरा बेटा है, इसने मुझे ज्ञान उससे ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगा, आज मैं इसे दूंगा और इसको इतना बड़ा करूंगा, इतना बड़ा करूंगा कि मुझे हर पल हर समय हर घड़ी प्रार्थना करे, विनती करे और मुझसे ये कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझसे ज्ञान और बुद्धि समझ मांगता है और अपने परिवार की सलामती मांगता है और अपने आप को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी आजाद करते हैं हर एक समस्याओं से। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम ज्योति हो, परमेश्वर ने कहा है शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा जो शरीर है वो सारा उज्याला होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है अगर तेरी आँख में किसी प्रकार की बुरी भावना हो और तू उसे इससे देखता हो तो तेरा जो शरीर है ना पूरा अंधेरा होगा, उसमें किसी प्रकार का उज्याला नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और भरोसा रखो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को, विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करो। पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक प्रकार के घरों में प्रॉब्लम हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी इच्छा के अनुसार पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन जीवन में पिता परमेश्वर आप कार्य करिए और हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं और हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के पिता बीमारियों से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। उठे और चले और दौड़े और कूदे और भागे पिता परमेश्वर, आंखों की अच्छी दृष्टि पाए पिता परमेश्वर, अच्छा सुनने को मिले पिता परमेश्वर, अच्छा बोलने को पिता पाए पिता परमेश्वर, अच्छा देखने को उनको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर एक पल हर समय हर घड़ी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की दुर्घटना के बल प्रभाव और दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, हड्डी में किसी प्रकार के दर्द है पिता जलन है पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में जलन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के नसों से उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर, मृतक कोशिकाओं को पिता परमेश्वर, सेल को ठीक कीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मृतक कोशिकाओं को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, परमेश्वर उनके परिवार में खुशियां को लौटा दीजिए पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं। जो शैतान उनके परिवार की खुशियां छीन लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर, उनके जीवन में इतनी खुशियां दे प्रभु, इतना प्यार दे पिता परमेश्वर, को आपसे विनती और प्रार्थना कर सके पिता। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ऐसा किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उनके हर एक प्रभु परिवार में खुशी दीजिए, जिस बहन के पास कोई संतान नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए पिता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। बुरी आत्मा दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्मा तमाम तरह के अंधकार के बल नहीं संसार में पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें इतनी ताकत दीजिए पिता परमेश्वर, को अपने प्रार्थनाओं में पुकारे पिता परमेश्वर, आपको अपने प्रार्थनाओं में पिता याद करें। इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के पिता परमेश्वर आप संभालने वाले
वाले हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं। आज उन्होंने जो कुछ मांगा है पिता यीशु मसीह के नाम से, वो आपसे ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगते हैं। उनके परिवार की सलामती के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके हर दुखों को, तकलीफों को, मुसीबत को पिता आप देखने वाले हैं। हे प्रभु, हे यहोवा, आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया और मुझे इतना बड़ा किया पिता परमेश्वर कि मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सकूं। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। और पिता परमेश्वर आज के जो कार्य थे पिता परमेश्वर, जो मुझे मेरे जीवन में होने चाहिए पिता आप मुझे दीजिए। मैं सुंदर से सुबह से उठ करके पिता परमेश्वर आपकी स्तुति कर करके प्रार्थना करके पिता मैं आपके चरणों पर रह करके पिता परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी कार्य है पिता मैं उसको अच्छे से कर पाऊं पिता। और फिर मैं शाम को लौट करके पिता परमेश्वर अपने ऑफिस से, अपने कार्य से, अपने घर से, अपने फैक्ट्री से, कंपनी से, जहां मैं कार्य करता हूं पिता, मैं वहां से लौट करके आऊं सुबह पार। मैं आपसे विनती और सुबह पार पिता परमेश्वर मैं जाऊं और शाम को वापस आऊं पिता परमेश्वर, आपसे मैं विनती और प्रार्थना कर सकूं पिता परमेश्वर। शाम के मुझे फिर इतने ज्ञान और बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर कि मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सकूं पिता परमेश्वर रात्रि के समय आकर के। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर जो भी इसमें वचन दिए आपने और हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना किए हैं पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन को जो अपने आप को अकेला महसूस करता है उसके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार की खुशियां हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका वचन भी कहता है मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, क्योंकि परमेश्वर हर सच देने वाला है और सबसे प्रेम करने वाला है। इसलिए कहता है परमेश्वर जो कोई मांगता है परमेश्वर से उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है। हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर से जो आपकी इच्छाएं हैं परमेश्वर से कहिए, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने इस प्रेजेंट टाइम में पिता परमेश्वर से रखिए कि पिता मेरे जीवन में ये होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है प्रभु तो मैं आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ आप देने वाले हैं तो मुझे रोटी देने वाले आप हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। रवि सुंदर से समय के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। आज ये सुंदर से सुबह के लिए हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपने कार्य किया, उनके हर एक प्रकार के अंधकार के बल को दूर किया पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों को दूर किया, हर एक प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक किया पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की शक्ति ज्ञान और बुद्धि और समझ उनको आज दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलिए दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दूर हो परमेश्वर के परिसर के पवित्र लहू के नाम से हर एक बीमारी को दूर करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की जो भी किसी प्रकार के शरीर में हो, घर में, परिवार में हो, अनेक प्रकार की समस्याएं में जो टहल रहा है शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र लहू के नाम से देते हैं जिसने हमारे पापों के लिए, हमारे हमको बचाने के लिए अपने धरती पर अपना लहू बहाया है, अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाया है और उसको पिता परमेश्वर उसका लहू बहाया है। उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि उस लहू के पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर चाहे वो चिंता हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे लाइफ में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, जहां भी आप इस समय बैठे हैं वहां अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर हो जाए। आमीन।